हेलो दोस्तों, मैं हूं स्टार और आप देख रहे हैं स्टार गेमिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? चलिए खेलते हैं फार्मिंग सिमुलेटर 2019। आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अपने खेत को स्क्वायर कैसे करेंगे, फिर उनकी डिज़ाइनिंग कर देंगे, रास्ता वगैरह नया रास्ता बनाएंगे। तो आज मैं ये दिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। चलो शुरू करता हूँ इसे इंट्रो के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो भाई हम करेंगे अपने खेतों की प्लोइंग आज। और इसके पहले आपको अपना ज़रा खेत दिखा दूं भाई। ये है मेरा 8, ये है मेरी लैंड। ठीक है, ये बायोगैस प्लांट भी मैंने ख़रीद लिया था, आपको दिखाया था मैंने। तो ये सीधा है, यहाँ से टेढ़ा है। ठीक है ना, यहाँ सड़क से फंस जाते हैं जब भी कोई हम कुछ बड़े बड़े अपने लगाते हैं फर्टिलाइज़र के लिए, यहाँ वो सड़क पे फंसते हैं। और ये भी टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये इधर से भी टेढ़े हैं। तो इनको थोड़ा कोशिश करेंगे कि आज सीधे हो जाएं। तो उसके लिए भाई अपने बड़ा सा ट्रैक्टर लेके चलेंगे प्लोइंग करने के लिए, क्योंकि प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर थोड़ा हैवी चाहिए। तो भाई इसको लगाएंगे आज काम पे। वैसे भी मुझे सब खेतों की प्लोइंग करनी है, उसके बाद ही कुछ और फसल उगाता हूँ। उनको लाइन भी डालनी पड़ेगी, अब लाइन की ज़रूरत भी नहीं। देखिए यहाँ से डिजाइनिंग करी थी, थोड़े ख़राब हुए। तो चलो भाई यहाँ आएंगे। पहले मैं अपने खेतों को मिला दूँगा आपस में सबको, फिर उसके बाद देखता हूँ किधर से कैसे रास्ता बनाऊँगा। तो अब मैं उतर जाऊँगा नीचे भाई और कंट्रोल शिफ्ट एस कर दूँगा यहाँ पर, और स्टोर में जाऊँगा और एक प्लो खरीदूँगा। तो प्लो भाई सबसे बड़ा यही वाला है 10 मीटर का, ये छोटा है 6 का, ये 10 का है। और इससे बड़ा अगर मिलता है इसमें तो देख लेते हैं। एक्सकेंट एनिमल कॉटन नहीं भाई, प्लो इसके अंदर ही है। ठीक है ना, पावर हैरो। तो प्लो करना है आज हमें खेत, इसमें नहीं है, यही है भाई सबसे बड़ा। चलो भाई इसको लेंगे। और ये क्या है, ये कैसा प्लो है, स्टैंडर्ड स्लैटर्ड यूनिवर्सल। तो हमें यूनिवर्सल वाला लेना है। ओके, यस ओके। तो भाई ये हमारा आगे हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो इसको अपने ट्रैक्टर के पीछे लगा लेंगे, अटैच करेंगे इसको। बस बस बस, बहुत ज़्यादा दूर चला गया। भाई लग गया। अब करनी है भाई प्लोइंग, यहाँ से करेंगे, इनको मिला के एक ही बना दूँगा। इसको काट दूँगा पूरा उधर से, तो इसके लिए पहले इसको सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सीधा। देख वो बाद में हम डिजाइनिंग से सीधा कर देंगे। इसको करेंगे अनफोल्ड। तो इसको कर देंगे टर्न इस तरफ को, क्योंकि हमें इस तरफ से काटते हुए ले जाना है। चल भाई खुल जा, खुल रहा भाई, खुल रहा। ठीक है भाई ये खुल गया, थोड़ा सा इसको ले आएंगे पीछे यहाँ पे। अब देखते हैं कितना करता। और F1 करके अलाउ क्रिएट फील्ड्स, इसको बदल सकते हैं आप। लिमिट टू फील्ड करेंगे तो अपने फील्ड के अंदर प्लोइंग करेगा, बाहर नहीं करेगा। तो अगर ये अलाउ क्रिएट फील्ड करेंगे तो बाहर भी करेगा, देखते हैं आप क्या करता है। तो V से इसको नीचे कर देंगे। तो अभी बाहर नहीं कर रहा, तो फिर Y करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट टू फील्ड होना चाहिए, तो फिर बाहर करेगा यहाँ। तो ये इसने करनी शुरू कर दी। 3 दबा देंगे क्रूज मोड, इसको कर देंगे बंद। तो देखते हैं कितना सीधा होगा। ये क्या हुआ, फंस गया भाई। प्लोइंग में बहुत ताकत लगती है ट्रैक्टर की, तो हैवी ट्रैक्टर लेना कुछ थोड़ा सा, और जिसके पहिए वहीए ज़रा लगे हों बढ़िया सॉलिड से।
इसको ले जाएंगे बिल्कुल। इसमें हेल्पर लगेगा क्या? हेल्पर नहीं लगता इसमें, हेल्पर नहीं लगता भाई, खुद ही काम करना पड़ेगा। तो चलो फिर इसमें हेल्पर लगे, हेल्पर आपके फील्ड में काम कर सकता है, लेकिन जब आपको फील्ड नया क्रिएट करना है तो फिर हेल्पर काम नहीं करेगा। तो ये हो गई प्लोइंग, इसको कर देंगे बंद, ऊपर उठा लेंगे और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, घुमा के लाएंगे भाई इस तरफ से, क्योंकि अब हमें इधर से करनी है। पहले इसकी देख लेंगे कितनी इसकी रेंज कितनी है, कितना दूर तक जाएगा ये। तो इसको कर लेंगे डाउन, जितनी दूर तक जा सकता है उतना दूर तक करेंगे। तो ये इधर इधर को जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको सीधा सीधा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा रहे तो मैंने थोड़ा सा मुझे और इधर करना चाहिए था। यहाँ पर हैं खड्डे हैं, यहाँ पे देखो हो नहीं रही, इसको थोड़ा सा कर देंगे प्लेन, इसकी इस तरफ से करनी पड़ेगी। तो ये हो गया, अब इसको उठा लेंगे और इसको एक बार घुमा के फिर लाएंगे वापस। अरे उठा तो लिया था, कोई बात नहीं, अपने खेत के अंदर तो हो रही है। तो इस निशान के ऊपर लगाएंगे इसको ऐसे, और वी दबा के तीन दबा देंगे, ये सीधी सीधी कर देंगे। ठीक है भाई, ऐसे होती है प्लॉइंग। प्लॉइंग तो आपको पता ही होगा, आप खेती अगर करते हो, अगर आपने ये वाली गेम खेली है। अब देखते हैं इसको करता है कि नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया था। तो यहाँ पे जगह काफ़ी ऊंची नीची है, तो इसलिए कर नहीं रहा। यहाँ पर फिर नहीं करी, जहाँ पे जगह ऊंची नीची है वहाँ पे छोटा प्लो ला के, क्योंकि ये बड़ा है तो ये थोड़ा लगता है तिरछा वैसा हो जाता है, तो कर नहीं पाता। तो जहाँ जहाँ छूट गई है वहाँ पे एक बार ले जाएंगे दोबारा। पहले इधर से करेंगे, देखते हैं करता है यहाँ पे। अब कर दें, एक बार फिर घुमा लेंगे इसको दोबारा और देखें कहाँ तक जाता है ये। इसने यहाँ पे नहीं करी, थोड़ी सी छूट गई। अब कर देगा। ठीक है, यहाँ हो गई। इसको थोड़ा सा दूर से घुमा के लाएंगे, क्योंकि ये सीधा होने में टाइम लगता है इसको। अब इसको लगाएंगे थोड़ा, अब पास लगाएंगे थोड़ा, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लगाएंगे इसको। ये पहिया जो है लेफ्ट में, ये देखो आया नहीं रेंज में, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा। ये बीच में छूटनी चाहिए, ये प्लोअर, ये प्लो दरअसल थोड़ा, ये देखो ये जगह जहाँ पे ऊंची नीची है वहाँ पे नहीं कर रहा। ये फिर सीधे हो जाएंगे, फिर बाद में वो लैंडस्केपिंग का टूल खोल के और उससे हम रास्ता बना देंगे थोड़ा सा बीच में,
और डिजाइनिंग कर देंगे, जहाँ जहाँ पे हम घास लगा देंगे वहाँ वहाँ पे फिर खेती नहीं होगी, तो जहाँ जहाँ पे हम निशान लगा देंगे वहाँ पे खेती नहीं होगी, बाकी जगह पे होगी। तो ये फ़ायदा रहेगा क्योंकि ये सीधे स्क्वायर हो जाएंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि टेढ़े खेत में मज़ा नहीं आता क्योंकि सारे टेढ़े मेढ़े हैं, उसके बाद फिर स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसको कर देंगे एक बार थोड़ा सा और आगे तक, चलो भाई इसको उठा लेंगे वी से, उठा के फिर इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे लेफ्ट में, इसकी रेंज देख लेंगे रेंज कितनी है ना। तो अब इसको यहीं से लगाएंगे पास से, वो भी हो ही नहीं जाएगा, थोड़ी सी उसको भी करना है। थोड़ा पास में ही रखेंगे क्योंकि उसको भी करना ज़रूरी है, वो जगह बच गई है उसको भी होना ज़रूरी है, अभी और पास ले जाना पड़ेगा क्योंकि अभी बाहर जा रहा रेंज से। अब इसको लाते हैं इधर से, ये जगह उपड़ खाबड़ सी है, टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी सी, इसको प्लेन करना पड़ेगा। कर दी अभी भी थोड़ी सी हुई नहीं, वहाँ पे हो ही नहीं थी उस जगह पे, ज़्यादा ऊंचाई ऊंचा नीचा ज़्यादा ही है। चलो थोड़ी बहुत रह गई, इसको छोटे प्लो से ला के कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा है ना तो ये जहाँ पे ऊंचा नीचा होता है तो ये अटक जाता है। एक काम करते हैं, ये ऐसे नहीं कर रहा तो इधर से कर देगा, ऐसे इसको लाएंगे इधर से ऐसे, अब ये कर देगा क्योंकि इस तरफ से देखिए आप अगर देख सकते हैं तो ऊंचा है। चलो अब इसको करने देंगे जितनी कर देगा, ये देखो फिर ऊंचा नीचा है, यहाँ पे भी नहीं हो रही, बस इसको यहाँ से मिला देंगे उस वाले को उधर से मिला के, फिर इसके बीच में एक सड़क सही सी बना देंगे, तीन खेत कर देंगे अलग अलग या फिर दो ही कर देंगे, देखेंगे जो होगा। आज मुझे इनकी प्लोइंग करके फिर इनकी डिजाइनिंग करनी है, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए फटाफट मैंने प्लो लगा दिया एक बड़ा सा। दरअसल इसमें हेल्पर नहीं लग सकता ना, नहीं तो मैं इसमें हेल्पर लगा देता भाई और अपना दूसरा एक और ट्रैक्टर लाता और एक प्लो और ले आके फटाफट कर देता। तो ये जितनी करेगा सीधी सीधी देखते हैं, इसने इतनी कर दी, ठीक है भाई इसको घुमा लेंगे एक बार। इसको उठा लेंगे पहले, अब इसको इधर से चलाएंगे ऐसे, थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे, इस जो इसकी रेंज है ना उसके अंदर अंदर रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लोइंग जल्दी हो।
ट्रैक्टर भाई 10 की स्पीड पे कर रहा है, यानी कि बहुत जोर लग रहा है ट्रैक्टर का। ये ट्रैक्टर मैसी का हैवी ट्रैक्टर है और भाई इसके पहिए मैंने लगा रखे हैं बढ़िया से ताकि खींच सके बढ़िया सा। और ये जब थोड़ी सी रहती है ये सारी प्लोइंग करके बढ़िया से कर दूँगा आज खेत भाई। उसके बाद फिर लगाता हूँ कुछ खेती, कॉर्न लगाएंगे कॉर्न, और आपको दिखाऊंगा फिर शाफ कैसे बनती है। लो जी ये हो गई। अब ये बीच में थोड़ी सी रह गई, इसको बाद में देखता हूँ। इसको बाद में देखते हैं, यहाँ पे हो नहीं रही अभी क्योंकि ये थोड़ा सा जगह बहुत ऊंची नीची है। देखिए नीचे से ज़मीन को काट रहा है, तो ये होना चाहिए यहाँ पे लिमिट टू फील्ड, मतलब उल्टा दिखा रहा है। वाई करने पे आना चाहिए कि अलाउ क्रिएट टू फील्ड। लो जी हो गई, ठीक है इसको घुमा लेंगे फटाफट। और चल भाई घूम जा, अब इसको लाएंगे इस वाले पहिए को, लेफ्ट वाले को इस निशान पे लाएंगे, ठीक है ना, ये इधर ठीक है। उसको यहाँ रखेंगे नीचे और 3 दबा देंगे बस, क्रूज मोड ऑन हो जाएगा तो ये इस जगह को कर देगा साफ। ठीक है वी से उठा लेंगे और भाई इसको थोड़ा सा दूर से घुमाएंगे, ये घूमते हुए फंस जाता है देखो पहिए के साथ, लगता है ये ऐसे 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 फंस जाता है। चल 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 घूम जा। अब इसको लाएंगे भाई, देख लेंगे इसकी रेंज कितनी है, कहाँ से कहाँ तक काटेगा, ठीक है ना, यहाँ से पूरा काट देगा। तो वी से नीचे करेंगे और 3 दबा देंगे भाई, क्रूज मोड लगा देंगे ताकि हमें कुछ करना ना पड़े और ये अपने आप चलता रहे और काट देता। लो जी ये हो गया, इसको वी से कर लेंगे एक बार, देख लेंगे इसमें तो ये दिखा रहा है अभी, ऐसे दिखा रहा है अभी, ये नहीं दिखा रहा कि नया, क्योंकि हमें नया नक्शा जब हम क्रिएट करेंगे उससे डिजाइनिंग करके तो ये दिखाएगा, शायद अभी दिखाए क्योंकि मैंने भी पहली बार किया, तो देखते हैं क्या होगा। यार ये रह गया थोड़ा सा, ये क्यों नहीं कर रहा, करना तो चाहिए इसे। यहाँ पे दरअसल जगह देख रहे हो फंस गया, ये यहाँ पे वो देखो खड्डा सा, जगह ऊंची नीची है। चलो भाई कर दिया इस बार, तो कर दिया भाई। चलो अभी उसको छोड़ देंगे, अभी पहले इस लंबे वाले को करेंगे, इसको देखेंगे इसकी रेंज कितनी है कहाँ तक है, ठीक है सीधा देख लेंगे किधर को है, ये थोड़ा सा भी और बाहर जाएगा, थोड़ा इधर को जाएगा क्योंकि रेंज इसकी कम है। देखो इसने छोड़ दिया ना थोड़ा सा, चलो उसको बाद में करते हैं। अब इसे चलने देंगे सीधा चलने देंगे भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं यार, हो जाते हैं वीडियो बड़े क्योंकि ये सब दिखाना पड़ता है ना, अब फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप बोलो तो मैं फास्ट फॉरवर्ड वाले वीडियो बना के वो टाइम लैप्स कर दूँगा, इसको 5-10 गुना तेज़ कर दूँगा,
ठीक है भाई, इसने यहाँ भी नहीं करी। ये जगह ऊपर खाबड़ ऊंची नीची जगह है ना, अगर इस जगह को मैं प्लेन करूँगा तो फिर खड्डे हो जाएंगे, आई मीन बहुत नीचे चली जाएगी और फिर आसपास बहुत ऊंचाई हो जाएगी, और फिर जब हम इसमें अपना कुछ इक्विपमेंट चलाएंगे, कोई भी मशीनरी चलाएंगे इसके अंदर, तो वो अटकेगी, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। ये जैसी है, ऊंचा नीचा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसको अगर लेवल पे लाऊंगा तो बहुत पंगा हो जाएगा। अरे और थोड़ा सा चलाना था, अपने खेत के अंदर तक चलाना, ऐसे बाहर मत छोड़ना। अब इसको ला के जो इसने नहीं करी उसको करेंगे पहले, जो इसने छोड़ दी यहाँ पे ला के तीन दबा देंगे, ये नहीं करी और इसने वो नहीं करी पीछे, ये जो छूट जाती है इसको करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको ज़रूर करना, नहीं तो फिर वहाँ पे आपकी खेती नहीं होगी, फसल होगी नहीं वहाँ पे। चल भाई चल भाई, थोड़ा सा पानी पी लो। अब जहाँ ये जा रहा है इसको जाने देंगे, क्योंकि कटिंग तो हो, हमारी प्लोइंग तो हो ही रही है, थोड़ा सा बाहर कर लेंगे ताकि थोड़ा और रेंज, इस दोनों की रेंज के अंदर अंदर रखना बस। जब ये बाहर चला जाता रेंज से तो वो देखो लेफ्ट साइड में छूट गया ना थोड़ा सा, इस वजह से ये छूट जाता है। फिर इसको उठा लेंगे, यो जो इसने छोड़ दिया साइड में, इसको भी करना भाई, इसको भी करना है थोड़ा सा है। ये देख रहे हैं आप जगह जगह ऊंची नीचे, ट्रैक्टर घूम ही नहीं रहा वहाँ से, इसको कर लेंगे नीचे और तीन दबा के पहले इसको करेंगे। हो गई, चलो भाई इसको अब लेके जाएंगे दूर थोड़ा सा, इसको इधर लेके चलते हैं। ये थोड़ा सा छोड़ ही देता है, बस इसके साथ तो मिल गया, ये वाला खेत भी आ गया हमारा, ये थोड़ा सा रह गया, इसने थोड़ी सी जगह छोड़ दी बीच में। अब इसको जाने देते हैं सीधा, देखते हैं कितना दूर जाता है, वहाँ पर भी काफ़ी खड्डे हैं, देखते हैं उन खड्डों का कुछ करते हैं। नक्शे में कैसा नज़र आ रहा है? मैप में तो वो ये नज़र नहीं आ रहा अभी, क्योंकि मैप में वो दिखा रहा है जहाँ पर जो चीज़ हो रखी है। इसने यहाँ पर भी छोड़ दी, यहाँ पर भी छोड़ दी, बस अब इसको वापस लेके जाएंगे, जहाँ जहाँ पे छूट गई है वहाँ वहाँ पे करेंगे फटाफट से, इसके ऊपर लगा लेंगे निशान के ऐसे,
और री दबा के तीन दबा देंगे। कर रहा है ना, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ये यहाँ पे कर नहीं पा रहा। कर दी, अब तो कर दी। अब इसको भी करेंगे फटाफट, ये थोड़ी सी रह गई थी। ये ब्लो सबसे बड़ा है, 10-12 मीटर का है, इससे बड़ा और नहीं है कोई भी। और ये थोड़ी सी यहाँ पे रह गई थी, इसको भी कर दूंगा भाई अभी साथ साथ। अट जाता है, यहाँ बहुत ऊंचाई है, वहाँ पे खड्डा है। थोड़ा सा आगे करेंगे इसको और फिर लगाएंगे। अब हो गई, चल भाई करते ए लो। हो जा भाई प्लोइंग फटाफट, बस थोड़ी सी रह गई। ये तो आ गया खेत साथ में, ये तो मिल गया। इसको भी थोड़ा सीधा करना है साइडों से, देखता हूँ कितना होगा। ये भी मिल गया, चलो जाने देते हैं अभी जितना जाएगा, बाद में इसको थोड़ा सा बच गया ये कर देंगे। चलने देंगे इसको, चलने देंगे अपने आप सीधा सीधा भाई। तो अगर आपके खेत भी टेढ़े मेढ़े हैं तो ठीक है भाई, उनको थोड़ा सा सीधा करके और डिजाइनिंग कर दो उनकी बढ़िया सी, ताकि आराम से हेल्पर भी अपना काम आराम से कर सकें और आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे वो पोन एलिवेटर, पीछे मेरे खेत के पास एक फैक्ट्री है पोन एलिवेटर, ये वाली सेंट्रल ग्रेन एलिवेटर सॉरी, तो यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे करता नहीं, तो मैं यहाँ से रास्ता बना दूंगा, क्योंकि यहाँ से आना है तो इधर से रास्ता शॉर्टकट बन जाएगा आने जाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि फिर मुझे आसानी रहेगी। ये इधर जाने के लिए इधर क्यों जाने लगा, चलो जैसे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में उसको घुमा के ले आएंगे। तो ये हो गई, उसको घुमा लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। जो बीच में छूट गया भाई उसको भी तो हटाना है, इसकी रेंज अब तो सही आ जाएगी एकदम। तो इसको री और तीन, अब बीच वाली पट्टी को साफ कर देंगे। चल भाई चल, सही है रेंज। इसको टर्न भी कर सकते हो आप, बी से इधर से लगाना है या इधर से लगाना है आपकी मर्जी, इधर से भी लगाना है। तो अब इधर को जाना है मुझे, क्योंकि वो थोड़ी जगह उधर भी रह गई थी। तो इसको थोड़ा सा पहले हल्का हल्का इसको घुमा लेंगे साथ ही साथ, ताकि भाई उधर को रेंज इसकी उधर को चली जाए, क्योंकि इधर बहुत जगह पड़ी है अभी, इसने यहाँ पे किया नहीं क्योंकि ऊंचाई नीचाई है।
यहाँ पे अभी एक रास्ता जा रहा था, मैंने वो बंद कर दिया। बनाऊंगा रास्ता बाद में बनाऊंगा अच्छा सा। चल भाई चल। और एक कौए कहाँ घुसे हुए हैं, कौए खेत में आते रहते हैं दोस्तों। तो अभी तो मुझे अपने सब खेतों की प्लोइंग करनी है एक बार, मतलब फुल प्लोइंग कर दूंगा, उसके बाद कुछ फसल लगाते हैं इसमें। लो भाई इसको हो गया, अब जो छूट गया उसको बाद में देखेंगे, पहले बड़ी बड़ी कर लें। मेन मेन जो है वो उसको पहले कर लेंगे, बाद में छोटी छोटी देखेंगे। भाई वीडियो तो अभी 30 मिनट का हो गया, तो मैं इसको अभी कर रहा हूँ फिनिश यहीं पे। तो मैं जब तक इनकी प्लोइंग करता हूँ, अगली बार मैं आपको दिखाता हूँ फिर डिज़ाइनिंग इसकी कैसे करूँगा, सीधे इसको स्क्वेयर कैसे करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। ये है प्लोइंग, बड़े बड़े खेतों को आपस में मिलाना है, कैसे मिलाओगे आप और देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ऊँचा नीचा होता है, तो आप अगर ऊँचा नीचा है तो आप अगर एक तरफ से नहीं हो रही तो दूसरी तरफ से करो, अगर वहाँ से नहीं हो रही चारों तरफ से ट्राई करो कि कहीं से तो होगी, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं प्लोइंग बड़े बड़े प्लोअर से। तो चलिए भाई इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलता हूँ आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें और भाई एकदम मस्त 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 रहें। बाय बाय दोस्तों।